हेलो एवरी वन स्टूडेंट्स आई एम धनमे त्रिपाठी एंड वेलकम यू ऑल टू आर यूट्यूबल स्टूडेंट्स बहुत सी क्वेरीज आती हैं बच्चों की एंड आई जस्ट वॉन्ट टू आंसर दम हम बहुत से वीडियोज लाने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर जुडिशरी हाउ टू प्रीपेयर फॉर मेन्स हाउ टू प्रीपेयर फॉर इंटरव्यू वॉट आर थिंग्स आर नीडेड इन द नोट हाउ टू रीड द बेर एक्ट एंड लॉट मोर टूडे आई हैव टेकन अ टॉपिक अ वेरी टेक्निकल टॉपिक दैट इज डाइंग डिक्लरेशन

क्वेश्चन डिमांड तो ये लॉ का प्रशन है झूठ बोलते हुए नहीं मरेगा मरते समय झूठ नहीं बोलेगा इस तरीके की बातें लॉ प्रज्यूम करके चलता है दो

That brutality happened. That inhuman act was done by six of the accused. Now, whatever statement she has made before the magistrate, before the doctor, was her dying declaration tha because she was under the expectation of death. At the same time, Parklanarani Swami केस लेली जब, it is one of the landmark case on dying declaration, जहाँ पे वो अपने वाइफ को बोल के जाता है कि मैं जा रहा हूँ अपने किरायदार से किराया लेने और किराया लेके मैं वापस आता हूँ.

डाइंग डिक्लेन तो ये एक दूसरे तरीके के स्टेटमेंट होते हैं जिसमें आपको एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ नहीं है, but वो आपके last statement है और उसके बाद आपकी डेथ हो जाती है और डेथ होने के बाद वो आपके स्टेटमेंट जो है क्लास वन इट इज ऑफ एविडेंस एंड इट इज सबसे पहली चीज जो अभी हमने एक के भी सामने हो इट कैन बी अफ एविडेंस इट कैन बीशियल इट इज वन ऑफ द रेलिवेंट फैक्ट ऑल्सोजेंट फैक्ट ऑल्सो जो भी स्टेटमेंट ये बोले गए हैं, हमेशा याद रखेगा किसी के भी सामने बोले जा सकते हैं ये पुलिस के सामने भी हो सकता है ये डॉक्टर के सामने हो सकता है ये फ्रेंड्स के सामने हो सकता है रिश्तेदारों के सामने हो सकता है जज के सामने हो सकता है मजिस्ट्रेट के सामने जो कि रिकॉर्ड कर रहा है इस टाइम डिक्लेन को अब जाहिर सी बात है इफ इट इज रिकॉर्डेड बिफोर द मजिस्ट्रेट देन इट इज अ गुड पीस ऑफ एविडेंस ओके इसकी रिलायबिलिटी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू आप किसी एक्सवाइज को बोल के और मर जाते हैं ठीक है

उसकी रिलायबिलिटी कहीं ना कहीं अफेक्ट होती क्योंकि वो पुलिस और डॉक्टर्स के सामने था सेकंड डाइन डिक्रेशन मजिस्ट्रेट के सामने था अगेन वो कहीं ना कहीं रिलायबल है क्योंकि वो कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने है उसके बाद जो थर्ड है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन आंसर क्या वहां पे आपने मुकेश का नाम सुना सुरेश का नाम सुना तो शी पॉइंटेड आउट इट वाज मुकेश मैंने मुकेश का नाम सुना तो ये डाइंग में सोचिए कितना अच्छा पीस ऑफ एविडेंस हो सकता है तो डाइंगिक्रेशन कैन बी इन अ नंबर ऑफ जब तक व्यक्ति मर नहीं रहा तब तक, तक हो सकता है दो से तीन डाइन डिक्रेशन हो जाए

और रिलायबिलिटी चेक करने के कुछ पॉइंट्स होते हैं जैसे कि ये हमेशा मान के चलिएगा इट इज नॉट अ वीक पीस ऑफ एविडेंस ओके थिंग अगर क्वेश्चन आंसर फॉर्म में है तो ये गुड पीस ऑफ एविडेंस है इट इज अस्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है कि जज को बहुत कॉन्शियस होना होता है जब भी वो डाइन डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करता है एज अ पीस ऑफ एविडेंस क्योंकि जो व्यक्ति मर गया वो कोर्ट में क्रॉस एग्जामिन करने तो आएगा नहीं क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए तो, तो आ नहीं सकता तो यहाँ पे जो भी प्रूडेंस है वो कोर्ट का है जज का प्रूडेंस है कि वो कैसे इसको देखता है तो अगर एक डाइन डिक्रेशन दिया जाता है और उसको कॉन्शियसली ऑब्जर्व करना है कि हाँ क्या जो व्यक्ति बोल रहा था उस समय वो एकदम फिट स्टेट ऑफ माइंड में था कहीं उसके अंदर कोई रंजिश वाली बात तो नहीं थी ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं मरते मरते अपने दुश्मन का नाम ले जाऊं तो वो स्टेट ऑफ माइंड को ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी होता है आपके अंदर कोई रिवेंजफुल एटीट्यूड नहीं होना चाहिए डाइंगिक्रेशन देते समय क्या आपको बाकी एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ में दिया कि वो आपके लास्ट स्टेटमेंट थे तो वो सारी चीजें कोर्ट ऑब्जर्व करता है रीजन सिर्फ एक है

आगे भी हम बहुत से टॉपिक्स पे अपने अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे लॉ टॉपिक्स पे और जुडिशरी की प्रिपरेशन को लेके अच्छे अच्छे वीडियो ला रहे हैं डू सपोर्ट अस डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल थैंक्स सलॉट